हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं एक स्वीट रेसिपी करंजी बनाने वाली हूँ, जिसे हम गुजिया भी कहते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक कप मैदा ले लिया है। अब इसमें एक टीस्पून नमक ऐड करें, साथ में एक टेबलस्पून मेल्टेड घी को डालकर मैदे के साथ अच्छे से मिला दें। अब इसमें थोड़ा थोड़ा हल्का गरम दूध या फिर पानी डालकर एक टाइट डो बना लें। एक कप मैदे के लिए मुझे यहाँ पर 1/3 कप दूध लगा है। अभी मैंने इसे ज्यादा नीड नहीं किया है, सिर्फ मैदे और दूध को इकट्ठा करके एक टाइट डो बना लिया है। इसे अब एक गीले कपड़े से ढककर आधे घंटे के लिए अलग रख दें। करंजी का सारन या फिर स्टफिंग बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1/2 कप ड्राई डेसिकेटेड कोकोनट ले लिया है। आप चाहे तो ड्राई कोकोनट को ग्रेट भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 1/2 कप नॉर्मल चीनी को मिक्सी में पीसकर पाउडर बना लिया है। स्टफिंग आपको कितना मीठा पसंद है उस हिसाब से चीनी के पाउडर को ऐड करें। इसके साथ 1 टेबलस्पून चॉप्ड काजू और 1 टेबलस्पून चॉप्ड किशमिश, 1/4 कप रोस्टेड सूजी को मिक्सचर में डाल दें। फ्लेवर के लिए मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून इलायची पाउडर ऐड किया है। अब इन सभी को एक साथ अच्छे से मिक्स कर दें। करंजी में बहुत सारे अलग अलग स्टफिंग भरा जाता है। मैंने यहाँ पर सबसे सिंपल और जल्दी बन जाने वाली स्टफिंग रेसिपी शेयर किया है। आधे घंटे बाद गीले कपड़े को हटाकर मैदे के डो को कुछ सेकंड्स के लिए नीट कर लें। आप देख सकते हैं ये डो अभी कितना स्मूथ हो गया है। तो अब इसमें से छोटे या फिर बड़े साइज के जैसा आपको पसंद हो वैसा लोइया बना लें। अब ढककर रखा हुआ लोइयों में से एक लोई को लेकर ना तो ज्यादा पतला और ना ही ज्यादा मोटा पूरी के शेप में बेल लें। आजकल मार्केट्स में तरह तरह के करंजी या फिर गुजिया मोल्ड्स मिलते हैं। अगर आप इन्हें बनाने के लिए मोल्ड्स यूज कर रहे हैं तो वीडियो में दिखाए गए अनुसार मोल्ड के ऊपर बेले हुए पूरी को रखें और 1 टेबलस्पून स्टफिंग को करंजी में भर दें। अब पूरी के एजेस में थोड़ा पानी लगा दें, जिससे ये अच्छे से लॉक हो जाए और फ्राई करते वक्त ना टूटे। मोल्ड को टाइटली बंद करें और एक्स्ट्रा पूरी के पोर्शन को एक छुरी से काट दें। इससे इसका शेप और बेहतर आता है। अगर आपके पास मोल्ड ना हो तब भी आप बहुत अच्छे करंजी बना सकते हैं। इसके लिए पहले की तरह एक लोई को लेकर पूरी के शेप में बेल लें। फिर उस पर एक कटोरी रखकर एक्स्ट्रा पूरी को निकाल दें। इससे आपको एकदम परफेक्ट राउंड शेप मिल जाएगा। अब इस पूरी को हाथों में लेकर इसमें भी थोड़ा स्टफिंग को भर दें और एजेस में पानी लगाकर इसे फोल्ड करके अच्छे से बंद कर दें। करंजी को बहुत सारे डिजाइन्स में बनाया जाता है, जिसमें से सबसे आसान डिजाइन फॉर्क से बनाया जाता है, जो कि मैं यहाँ पर बना रही हूँ। बिल्कुल इसी तरह मोल्ड के साथ या फिर बिना मोल्ड के सारे करंजी को बना लें।
करंजी या फिर गुजिया को डीप फ्राई करने के लिए तेल को मीडियम गरम करें। फिर उसमें एक एक करके जितना आपके कढ़ाई या पैन में आ सके उतने करंजी को तेल में डाल दें। करंजी को आराम से लो टू मीडियम फ्लेम पर पकने दें, जिससे ये अंदर तक कुक होंगे। जब ये अपने आप तेल के ऊपर आ जाए तब इन्हें ध्यान से दूसरे तरफ पलट दें और बिल्कुल इसी तरह बार बार पलट पलट के इन्हें अच्छे से फ्राई कर लें। मुझे करंजी थोड़ा गाढ़ा रंग का पसंद है, इसलिए मैंने इन्हें थोड़ा ज्यादा फ्राई किया है। अगर आपको ये सफेद रंग का या फिर हल्का सुनहरा रंग का पसंद है तो आप इन्हें थोड़ा कम फ्राई करें। बहुत ही टेस्टी और खस्ता करंजी या फिर गुजिया तैयार है। आप इन्हें त्योहारों में जरूर बनाएं। और आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। थैंक यू।